से आपका स्वागत करते हैं। सुबह सुबह का समय है और हम खड़े हैं खजराना रिंग रोड स्क्वायर पे। आप देख सकते हैं पीछे की साइड जो द्वार था गणेश मंदिर का, और ये जो ब्रिज का काम चल रहा है वो आप देख सकते हैं। मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है और पीछे आप देख भी सकते हैं ब्रिज का काम चल रहा है। तो आज हम जा रहे हैं सगस बाऊजी के मंदिर, जो कि अपने आप में एक अनोखा मंदिर है। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं। अभी सिनेमेटिक शॉट्स का आप आनंद लीजिए और वहाँ पे चल के आपको बताते हैं और दर्शन करवाते हैं वहाँ की क्या खासियत है और पूरी वहाँ की स्टोरी जो भी है वो पूरी डिटेल में बताएंगे। तो चलिए रास्ते का आनंद लेते हुए उज्जैन के आगे यह महितपुर के 7 किलोमीटर पहले पड़ेगा, तो चलते हैं वहाँ पे और वहाँ पे चल के आपको बताते हैं। बने रहिएगा, वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। दोस्तों हम निकल गए हैं, यह हम उज्जैन रोड पे हैं अभी, और आप देखिए सुबह कितनी सुंदर है यहाँ पे। हम घंटाघर फ्रीगंज उज्जैन पर पहुँच गए हैं। यहाँ पे हमने नाश्ता किया था और फिर यहाँ से हम आगे बढ़ गए थे। अभी आप देख रहे हैं उज्जैन का महर्षि सांदीपनि आश्रम, यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने पढ़ाई की थी। इसका भी वीडियो मैंने एक बनाया है, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब हम आ गए हैं श्री मंगलनाथ मंदिर, यहाँ का भी मैंने एक वीडियो बनाया था, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बहुत अच्छे वीडियो है ये, देख सकते हैं आप, और ये आप शिप्रा जी देख सकते हैं। इधर जलकुंभी बहुत सारी है, देख सकते हैं आप, पूरा हरा हरा हो गया है, और दूसरी साइड ये जलकुंभी साफ कर दी गई है। और देखने में आ रहा है कि मंगलनाथ मंदिर का भी थोड़ा सा काम चल रहा है। तो चलिए आगे का रास्ता आपको बताते हैं। हम अब उन्हेल रोड पर आ गए हैं। उन्हेल रोड पर आने के बाद आपको थोड़ा सा आगे जाके बोरखेड़ा भल्ला आता है, यहाँ से आपको राइट टर्न करना होता है, और फिर यहाँ से आपको थोड़ी सी पतली सड़क मिलती है, सिंगल लेन जिसको बोलते हैं, और बहुत अच्छे सुंदर सुंदर छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बों के बीच में से आपको जाना होता है। तो ये इंदौर से लगभग 90 से 100 किलोमीटर ये जगह पड़ती है और महितपुर से 7 किलोमीटर पहले है। सुबह सुबह का समय था, आप देख सकते हैं कितनी हरियाली है यहाँ पर और कितनी शुद्ध यहाँ पर हवा मिलती होगी सभी को। तो आगे चल रहे हैं हम। ये अब हम आ गए हैं ब्रह्मा कुंड तालाब कर्णावद, यहाँ पर एक मंदिर बन रहा है। अभी इसमें मूर्ति स्थापना नहीं हुई है। यदि आपको मालूम है यहाँ पे कौन सी मूर्ति स्थापित होगी किस भगवान की, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम शिप्रा जी आ गए हैं। शिप्रा जी का ये रूप देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत साफ़ पानी है यहाँ पर, और यहाँ से इस पुल को पार करने के बाद लगभग 100 मीटर की दूरी पर मंदिर आ जाता है। ये जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे बड़ा सा पेड़ देख रहे हैं, यहीं पे मंदिर है सगस बाऊजी का, ये देख सकते हैं आप। अब हम पहुंच गए हैं वहाँ पर, तो चलिए इसके बारे में बताते हैं, यहाँ आसपास क्या है, कैसा है, सब कुछ बताते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, पूरी ज़रूर देखिएगा वीडियो। दोस्तों हम हमारी डेस्टिनेशन पर आ गए हैं, जिसे सगस बाऊजी का मंदिर कहा जाता है। ये जो रास्ता है ये उज्जैन उन्हेल रोड से आपको राइट टर्न लेना होता है, और इस साइड महितपुर आ जाता है। मुश्किल से 7 से 8 किलोमीटर दूर महितपुर है। आप देख सकते हैं ये जो जगह है ये बहुत अच्छा महत्व रखती है, लोगों की आस्था का केंद्र है। सगस बाऊजी का यहाँ पर स्थान है। अभी चलते हैं आपको बताते हैं, दर्शन करवाते हैं और यहाँ के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं ऐसा पेड़ जो कि पूरी तरह से घड़ियों से लदा हुआ है, इसे घड़ियों का पेड़ भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर मन्नत पूरी हो जाने पर श्रद्धालु घड़ी चढ़ाते हैं, और इस विशाल पेड़ पर अनगिनत घड़ियाँ चढ़ी हुई है। और दोस्तों यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं उनसे पता लगा है कि यह स्थान लगभग 15 से 20 साल पुराना है। दोस्तों यह मंदिर सगस महाराज घड़ी वाले बाबा का मंदिर है। इस मंदिर में कोई पंडित साफ सफाई करने के लिए नहीं है, यहाँ से गुजरने वाले लोग इस पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर अपना माथा टेक कर मन्नत मांगते हैं, और फिर जब मन्नत पूरी होती है तो फिर घड़ी चढ़ाकर जाते हैं। दोस्तों यहाँ के स्थानीय निवासियों की माने तो यह स्थान 15 से 20 साल पुराना है, लेकिन 2017-18 से यह मंदिर काफ़ी चर्चाओं में आ गया है। यह मंदिर इतना प्रसिद्ध हो गया कि अब इस 4x6 फीट के मंदिर में घड़ी रखने की कहीं पर जगह नहीं बची, इसी वजह से भक्तों ने मंदिर के पास मौजूद पेड़ पर ही घड़ियाँ टांगना शुरू कर दिया है। हालत अब यह हो गई है कि आज इस छोटे से मंदिर में करीब अनगिनत घड़ियाँ यहाँ पर लटकी हुई है, जो आप देख रहे हैं। ये आप सगस बाऊजी के दर्शन कर रहे हैं, और यहाँ पर सिगरेट भी चढ़ाई जाती है जो कि भाई साहब ने चढ़ाई है।
दोस्तों इस मंदिर में घड़ी के साथ साथ पूजन सामग्री नारियल, अगरबत्ती, सिगरेट और चिलम भी चढ़ाई जाती है। हालांकि ये कोई नहीं जानता कि इसे शुरू किसने किया। आने वाले श्रद्धालु पेड़ के नीचे मंदिर पर पहले पूजा पाठ करते हैं और फिर सिगरेट लगाते हैं। बताते हैं कि जिसका वक्त खराब चल रहा हो वो यहाँ पर मन्नत मांगता है। उसकी मन्नत पूरी होने पर और अच्छा वक्त होने पर वह घड़ी चढ़ाकर यहाँ पे घड़ी चढ़ाने आता है। जैसे कि किसी की शादी नहीं होती है या परिवार में किसी को कोई समस्या होती है, किसी की तबीयत ठीक नहीं होती है, तो इस तरह का समाधान यहाँ पर बहुत ही जल्दी होता है। दोस्तों जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं अपनी अपनी मन्नत लेकर आते हैं। जब मन्नत पूरी हो जाती है तो यहाँ पर घड़ी चढ़ा कर जाते हैं। सगस महाराज घड़ी वाले बाबा के मंदिर से के नाम से प्रसिद्ध हुए इस मंदिर में। आसपास के क्षेत्र के ही नहीं बल्कि 200 किलोमीटर दूर तक के लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। उज्जैन से महितपुर रोड पर गुराड़िया सांगा नाम की ये जगह है, जो कि महितपुर से केवल 7 से 8 किलोमीटर पहले है। और यहाँ पर आसपास में कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में यहाँ पर बहुत सारी दुकानें भी लग जाएगी और ये जो श्रद्धालु आप देख रहे हैं ये यहाँ पर घड़ी चढ़ा रहे हैं। दोस्तों ये बड़ का पेड़ है और पूरा पेड़ घड़ियों से भर चुका है। मंदिर बड़ के पेड़ से बिल्कुल लगा हुआ ही है। दोस्तों बोल सकते हैं कोविड के बाद से यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या इतनी बड़ी कि अब मंदिर में घड़ी रखने के लिए जगह नहीं बची है। दोस्तों हम मंदिर के पीछे आ गए हैं और कहा जाता है सगस बाबू जी का एक और मंदिर चौरा के पास में है, वहाँ पे भी घड़ियाँ चढ़ाई जाती है। वहाँ पे घड़ियाँ लोग अपने घरों पर ले जाते हैं और कहते हैं कि किसी का समय अच्छा नहीं चलता रहता है तो वहाँ की घड़ी जब आप वहाँ पे अपने घर ले जाके लगाते हैं तो आपका समय अच्छा हो जाता है और फिर आपको वहाँ पे वापस से घड़ी चढ़ानी होती है। लेकिन यहाँ का रिवाज अलग है। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि आपने यहाँ पे घड़ी चढ़ाई, आपने यहाँ पे मन्नत ली, आपकी मन्नत पूरी हुई तो यहाँ पे आप घड़ी चढ़ाते हैं तो आपका सब कुछ अच्छा चलता रहता है। आप देख सकते हैं 2001 में किसी को यहाँ पर इन्होंने सपना दिया था सगस बाबू जी ने कि आप यहाँ पे मेरा स्थान है, तो यहाँ पे पूजा अर्चना शुरू हुई। और 2017 से इक्की दुक्की घड़ियाँ यहाँ पे लोगों ने चढ़ाई थी, लेकिन धीरे धीरे ये बात प्रचलन में आई और लोगों की मान्यताएँ पूरी होने लग गई और यहाँ पे घड़ियाँ चलाने का सिलसिला शुरू हो गया। तो आप देख सकते हैं आज यहाँ पे कितनी सारी घड़ियाँ हैं और बहुत ही चमत्कारी स्थान है, देव स्थान है। यहाँ पे जब बीच में आके खड़े हो रहे हैं तो हर तरफ से टिक 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 की आवाज़ें आ रही है। बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे और पूरा पीछे खेत ही खेत है, आप देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। इंदौर और इंदौर के आसपास आपको घुमाते रहते हैं। आप आवाज़ सुन सकते हैं घड़ियों की। यहाँ पर खड़े होते हैं तो आपको बिल्कुल आवाज़ घड़ियों की हर तरफ से सुनाई देती है। और दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि सगस बाबू जी को यक्ष जी का रूप भी बोला जाता है, जिससे ये आपकी रक्षा करते हैं। और जो लोग यहाँ से अपना घर का रास्ता भटक जाते हैं या फिर कुछ उनको तकलीफ होती है तो वो उनको सही तरह से घर पे भी पहुंचाते हैं, ऐसा भी कहा गया है। लोगों की मदद भी यहाँ पर बहुत हुई है। दोस्तों यहाँ पर नारियल, अगरबत्ती, हार प्रसाद के साथ में यहाँ पे सिगरेट भी चढ़ाई जाती है इन्हें, सगस बाबू जी को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर घड़ियाँ चढ़ाने का रिवाज है, तो ये बढ़ता ही जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि ऐसे देव स्थान और ऐसे चमत्कारी स्थान बहुत कम होते हैं। और जहाँ पर भी ये चमत्कारी स्थान होते हैं धीरे 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 वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, क्योंकि लोगों की आस्था का केंद्र होता है। दोस्तों सगस बाबू जी का मंदिर एक, जब आप जावरा से रतलाम के लिए चलते हैं तो जावरा से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर हाईवे के बीच में स्थित है। और दोस्तों एक इसी तरह का मंदिर उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्थित है। इस मंदिर का नाम ब्रह्मा बाबा मंदिर है। यहाँ पे भी घड़ी चढ़ाने की परंपरा है, इसे भी घड़ी वाले बाबा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर करीब 30 सालों से घड़ियाँ चढ़ाई जा रही है जौनपुर उत्तर प्रदेश में। दोस्तों इसी तरीके का एक अनोखा मंदिर गोलू देवता का है, जो कि अल्मोड़ा के पास पिथौरागढ़ हाईवे पर है। ये न्याय के देवता है। यहाँ पर चिट्ठी में लिखकर उनसे मन्नत मांगी जाती है और मन्नत पूरी होने पर वहाँ पर मंदिर में घंटी चढ़ाई जाती है।
और इसी तरह का मंदिर ओम बन्ना शाह का मंदिर है, जो कि पाली से जब आप जोधपुर जाते हैं तो हाईवे पर आता है। यहाँ पर बुलेट मोटरसाइकिल की पूजा होती है, वो भी बहुत अच्छा देव स्थान है, उसकी बहुत अच्छी वहाँ की विशेषताएँ हैं, खासियत है। तो दोस्तों, हम भारत में रहते हैं और भारत में इस तरह के चमत्कार आप बहुत सी जगह पर देख सकते हैं। छोटे छोटे कस्बों में भी इस तरीके के मंदिर होते हैं, जो कि ज़्यादा हाईलाइट नहीं होने की वजह से ज़्यादा लोगों को पता नहीं होते, वहाँ के स्थानीय लोगों को ही पता होते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।